हमारे देश की यही खासियत है कि अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, पर फिर भी हम लोग एक हैं। तो आई एम श्योर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके बीच में ये कंपटीशन बहुत हेल्दी होगी, क्योंकि यू नो हम सब एक दूसरे से एक दूसरे के साथ हैं, एक ही देश के का हिस्सा हैं। सो हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे कंपटीशंस होते हैं, हेल्दी कंपटीशंस होते हैं, जहाँ पूरा देश भारतवर्ष एक हो जाता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट अगर आप फोकस्ड हैं और आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है तो सब आसान है, पर अगर बिना सोचे आप कुछ भी करें, बिना प्लान बनाए लाइफ में, देन थिंग्स गेट डिफ़िकल्ट। एंड आई फील मैरिज आपको मेंटली बहुत सॉर्ट कर देती है एंड यू अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी चाहिए लाइफ में। सो हैट्स ऑफ टू एवरी मैरिड वुमन दैट आई नो कि वो घर मैनेज कर पाती हैं, बच्चे मैनेज कर पाती हैं, काम कर पाती हैं। सो सभी कंटेस्टेंट्स को आई थिंक मैं आई लुक अप टू देम। यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। सो From my side, all the best to all of them. I mean, women's options के लिए आप ramp up करने जा रही हैं, जो कि dedicated है to all round of women. तो कितना excited है आप ramp up चलने के लिए? Well, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अर्चना जी के लिए walk करना सिर्फ एक excitement वाली बात नहीं है, honor की भी बात है, क्योंकि अर्चना हमेशा किसी ना किसी cause के साथ जुड़ी रहती हैं। वो सिर्फ एक designer नहीं है जो अपनी clothing line showcase करती हैं। She is always attached to something meaningful. And I personally stand by stuff like that as an actor. So I'm honored and humbled and excited to be walking for something like this. मैम अपने अटायर के बारे में कुछ कहना चाहिए, बताना चाहे तो आपके। आप सभी जानते हैं दिस इज अर्चना कोचर्स क्रिएशन एंड शी बिलीव्स इन ग्लैमरस क्लोथ्स, बट एक अपनी स्टेटमेंट के साथ। मुझे तभी उनके कपड़े बहुत पसंद हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एक सॉलिड कलर है हमारी चोली में, पर जो लहंगा है वो ग्रेजुअली डार्क हो रहा है, तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बैलेंस है। और मैंने लास्ट फोटोशूट भी अर्चना के कपड़ों के साथ किया है एंड आई एम इन लव विद हर क्रिएशन। तो मेरा कुछ बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा, बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल क्रिएटर, शी इज़ अ वंडरफुल डिज़ाइनर। सो दैट्स माई लुक। अगर आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर आप कॉम्पिटिशन समझ के सोच के उतरें तो आप नहीं रहते। कंपटीशन ये है कि आप अपने आप का बेस्ट सेल्फ कैसे दिखा सकते हैं, अपना बेस्ट वर्जन कैसे दिखा सकते हैं। तो किसी से कम्पीट किए बिना, कंपैरिजन किए बिना अपना बेस्ट कर देंगे तो आई थिंक उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। मैम आखिरीटा मैम ने आपको अखीरा मूवी में देखा था, तो ऑडियंस और आपको देखना चाहती, तो फ्यूचर में और कब देख चाहिए और कोई मैंने हमेशा विश्वास रखा है क्वालिटी में, नॉट क्वान्टिटी। तो मैं हर एक वो काम उस काम के लिए हाँ कहती हूँ जो एज एन एक्टर मुझे चैलेंज करता है, जो रूटीन ना हो। सो एज सून एज आई कैन टेल यू समथिंग दैट इज़ वर्थ फाइल और जो मेरे मेरे डेस्टिनी का है, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू शेयर इट विद यू। देर आर अ फ्यू थिंग्स, देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि अक्सर जैसा काम आप करना चाहते हैं वो हर कोई शायद नहीं करे। सो देर आर थिंग्स इन द पाइपलाइन और जैसे ही मैं बात करने योग्य बन जाऊंगी आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। प्रोड्यूसर भी बनना पसंद करें? प्रोड्यूसर मतलब नॉट लाइक अ प्रोड्यूसर, बट आई वुड वांट टू प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स। जैसे हमारी एक शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने अपनी माँ के साथ की थी, सनसेट ईयर्स, उसमें कॉन्टेंट ड्रिवन शॉर्ट फिल्म थी। इट वॉज समथिंग जो जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ। सो मे बी ऐसा कॉन्टेंट मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगी, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। And since I'm putting this wish out in the universe, I'm sure something will materialize. Thank you, guys.